गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में लेसन लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ये हमारा न्यू चैप्टर है इसको हम करने से पहले एक बार क्या करेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट जो हमने लास्ट में पढ़ा था उसको एक बार देख लेंगे बच्चों एक बार उसका रिवीजन करेंगे तो ये रिवीजन हमको क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रीड डेट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन डेजर्ट लाइफ इज अ डेजर्ट इज वेरी हार्ड पीपुल है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड तो बच्चों हम ये लेसन को देखने के लिए द दे वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ चलते हैं उस लेसन की तरफ चलते हैं जो है हमारा पेज नंबर थर्टी सिक्स पे दिया हुआ है द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ अ लार्ज ड्राई रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार्ड डेजर्ट अब क्या है द वेस्टर्न डेजर्ट इन लोकेटेड मोस्टली द स्टेट ऑफ राजस्थान में इट ऑल्सो एक्सटेंड कहाँ तक करता है साउथ पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड इन टू द नॉर्थन गुजरात द वास्ट एरिया अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाई द डेजर्ट कितना परसेंट बेटर है सेवेंटी परसेंट एरिया राजस्थान का क्या है रेगिस्तान में ही है देयर फोर द स्टेट इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया तो बच्चों हमको यहाँ का क्या पता चला कि द वेस्टर्न डेजर्ट इज़ कवर्ड विद व्यूज एंड सेंड हिल से कवर्ड है और सेवेंटी परसेंट ऑफ राजस्थान कवर्ड बाय डेजर्ट ठीक है स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन जो हमारा कौन सा है लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट अच्छा यहाँ का हम लोग को क्लाइमेट भी पता चलेगा बच्चों यहाँ का क्लाइमेट क्या था यहाँ का क्लाइमेट क्या है द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट एक्सट्रीम इट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल फॉर ईयर्स तो स्टूडेंट्स आज हम ये करने जा रहे हैं जो लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट स्टार्ट करते हैं द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन लिविंग इन डेजर्ट आर डिजर्ट आर क्या है यहाँ का कौन सी लिविंग करते हैं बच्चों पढ़िए लिविंग इन द डेजर्ट आर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है और क्या है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड रेरिंग एनिमल्स सच शीप गोट्स एंड sheep, goats and camels. okay तो so, हम हम कर रहे हैं इसका lesson start. the main occupation of the people living in a desert agriculture and rearing animals such as sheep, goats and camels. यहाँ का main उद्योग धंधा क्या है बच्चों यहाँ का agriculture है और पशुपालन है जैसे भे goats का है sheep का है और उट का है और क्या है बाजरा पल्स ज्वार मेज ये सब यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की मेन फसल है राजस्थान किस चीज़ के लिए फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए अपने हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बहुत फेमस है अपने हथकरघा उद्योग के लिए यहाँ के बैंगल्स मिरर लक्ष और क्या है ज्वेलरी बहुत फेमस है ज्वेलरी मेड ऑफ बोन ऑन सिल्वर बहुत पॉपुलर है वुडन क्राफ्ट लाइका का फर्नीचर ज्वेलरी बॉक्स ये बहुत फेमस है ऑल इंडिया में और यहाँ का मेन क्या बहुत फेमस क्या है बच्चों हम लोग कहते हैं ना राजस्थानी ड्रेस तो उसको कहते हैं बंधनी एंड टाई एंड डाई यहाँ का फेमस वर्क है फेमस काम है तो यहाँ का मेन क्या है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट आर एग्रीकल्चर एंड रियरिंग एनिमल्स सच है शीप गोड्स एंड कैमल्स बाजरा पल्सिस ज्वार मेस शीशा and groundnuts are the main crops grown here. Rajasthan is famous for handicraft work, bangles, mirror made of the लेचो and the jewelry made of bone, हनो एंड सिल्वर आर ऑल्सो पॉपुलर तो यहाँ का handicraft बच्चों जो बैंगल्स हैं राजस्थान बैंगल्स मिरर्स बेट बा जो बने हुए लकड़ी उसके किनारे जो इनके यहाँ नक्काशी की जाती है जो राजस्थानी वर्क किया जाता है वो ऑल इंडिया में फेमस है यहाँ का मेन क्रॉप्स क्या है बाजरा है बाजरा मेन है बेटा बाजरा ज्वार और पल्सेस मेन सीसम एंड ग्राउंड नट्स है और यहाँ की कौन सी यहाँ का फे फर्नीचर भी बहुत फेमस है ज्वेलरी बॉक्सेस एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर वेरी पॉपुलर ज्वेलरी बॉक्स है ना और अदर डेकोरेटिव पीसेस, डेकोरेटेड वर्क यहाँ का बहुत फेमस है द बंधनी टू और टाई एंड डाई टेक्सटाइल ऑफ़ राजस्थान इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री यहाँ का मेन कौन सा वर्क पसंद किया जाता है टाई एंड डाई टेक्सटाइल ऑफ़ राजस्थान बंधनी यहाँ का मेन टाई एंड डाई में बंधनी जो वर्क होता है इनका यहाँ बहुत फेमस है ये ऑल इंडिया में ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्या करेंगे कल्चर ओके स्टूडेंट्स गुड बाय बट आज आपका क्या है असाइनमेंट तो आपको राजस्थान के क्या करना है मेन क्रॉप्स लिखनी है राजस्थान की मेन क्रॉप्स लिखनी है दिस इज योर असाइनमेंट तो स्टूडेंट इसको करके मुझे सेंड करिएगा ओके गुड बाय